भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से पलटवार करद आम आदमी पार्टी पंजाब ने कहा कि लगता है कि केंद्रीय मंत्री तथा तो अनजान ने, इसलिए वह इस तरह के बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। आपने कहा कि हरदीप पुरी नू अपने कैबिनेट साथी शिवराज सिंह चौहान तो पंजाब दे विच पराली साड़न के मामलों के कमी बारे पूछना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि शायद हरदीप पुरी नू ताज़ा अंकड़ों का पता नहीं है, पंजाब दे विच पराली साड़न का सिलसिला 50% घट गया। कुछ दिन पहला बीजेपी आगू और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही कहा सी कि इस बार पंजाब दे विच पराली साड़न के मामलों के 45% कमी आई है। पहली गल तो यह आ दोस्तो, पंजाब चों जिहड़ी पैडी प्रक्योर होंदी आ लिफ्ट होंदी आ, ये रूटीन की प्रक्रिया और कोई पिछले 2-4 साल तो शुरू नहीं हुई, दशकों तो यह चल रहा प्रोसैस कि जिनी भी प्रक्योरमेंट होंदी आ फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालों पंजाब दियां एजेंसियां असिस्ट करदियां आ, ते अल्टीमेटली भारत सरकार ने लिफ्ट करा के देश के अड्ड अड्ड हिस्सों चाहे वह फूड सिक्योरिटी जिहड़ा एक्ट है वो राही लोगों को वंडना है, चाहे एक्सपोर्ट करना है, यानी कि एक रूटीन प्रक्रिया आ जिदे राही हर साल पंजाब दे जेडे गोडाउन है ज़्यादा तो ज़्यादा मई जून तक खाली कर लिते जाते हैं। और ये सब तो जड़ी जरूरी गल है, इस तरीके नाल हर रोज़ कंट्रोवर्सियां क्रिएट नहीं होंदियां कि मुख्यमंत्री जाके रोज़ प्रधानमंत्री जी नूं मिलन या मुख्यमंत्री जी जाके होम मिनिस्टर नूं मिलन, जा जिस तरह अज बीजेपी दे लीडर आप कह रहे जी पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिल्ली जा रहे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नूं क्यों नहीं कह रहे। पहली गल, देश की सरकार वालों खरीदया गया अनाज जिदी चुकन की जिम्मेवारी भी सेंटर सरकार की, उहदे लई पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं तरले कढ़ने पैणगे, पैरी पैना पऊगा। जे इन्हां नूं लगदा बीजेपी वालियां नूं कि पंजाब दा मुख्यमंत्री आके प्रधानमंत्री दे गोडे फड़े तरले कढ़े, तो फिर खुल के कहो, फिर खुल के कहो ना तुसी कि साडे तुसी तरले कढ़ो तां असीं चुकांगे। होया की आ, मैं बैकग्राउंड तुहाडे सामने रखना चाहुंदा अज तुहाडे राह, मार्च तो लैके मार्च 2024 तो लैके तकरीबन 15 बार पंजाब सरकार ने, चाहे वह फूड एंड सप्लाई के सैकटरी साहब हो, चाहे मंत्री साहब हो, या पंजाब के माणयोग मुख्यमंत्री साहब हो, 15 बार मार्च तो हुण तक लिखिया जा चुकिया है, मीटिंगां कीतियां जा चुकी है। और मैं ये डेट भी दसदा, सब तो पहला 5-3-2024 नूं केंद्र सरकार नूं लिखिया, मेरे को चिट्ठियां एक एक डेट्स दियां जिहड़ियां कम्युनिकेट कीतियां भारत सरकार नूं, जितना मैं तुहानूं पहला भी कहा रूटीन की प्रक्रिया आ। साडे कई किसान लीडर भी कह रहे सी पंजाब सरकार ने समय सिर इहनूं टेकअप क्यों नहीं किया, अज तुहाडे राही सारे पंजाब नूं दसना चाहुंदा बीजेपी झूठ बोल रही, गुमराह कर रही है। 5-3 तो लैके 5-3 नूं पहली चिट्ठी लिखी FCI नूं भारत सरकार नूं कि तुहाडा चौल जिहड़े आ बण गए उहनां नूं चकवाया जावे, फिर 11-3 नूं लिखी 2024 नूं, फिर 13-3 नूं लिखी, फिर 19-3 नूं लिखी, फिर 22-3 नूं लिखी, फिर ये नाल नाल फिर इस तो बाद आ जाओ जून का महीना, जून च 14-6 नूं लिखी चिट्ठी, 27-6-2024 नूं लिखी, सितंबर 30 नूं लिखी चिट्ठी भारत सरकार नूं, पंजाब सरकार ने पंजाब दे जिहड़े साडे ऑफिसर साहिबान है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने, होर किसी ने नहीं, फूड एंड सप्लाई जिहड़ा एक रूटीन की प्रक्रिया कि तुहाडा चौल तैयार है तुसीं चक्को जी स्पेस दो सानू अगली फसल आने वाली है। इहदे तो अलावा भी माणयोग मुख्यमंत्री जी ने 30 सितंबर 25 सितंबर टैलीफोन नाल गल की प्रहलाद जोशी जी ने, 30 सितंबर उन्होंने चिट्ठी लिखी और अक्टूबर का तो डेटा सारा तुहाडे को आ, मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर साहब ने भी गल की और फिर दिल्ली जाके भी प्रहलाद जोशी जी ना नड्डा जी ना तमाम बीजेपी के नेतावान ना मीटिंग की भी साड़ी फसल आ गई। लेकिन जड़िया गल आज जरूरी है तुहाडे सामने क्योंकि बहुत भंबड़ भूसा पाया जा रहा, पंजाब के लोगों ये दसिया दसन
की कोशिश की जा रही भाजपा वालों कि पंजाब सरकार का कसूर है। पहली गल जो सीसीएल क्रैश कैश क्रैडिट लिमिट ये भी बिट्टू साहब बड़ा जोर दे कह रहे हैं असं पैसे दे दें, ये पैसे कोई आसान नहीं गा। कैश क्रैडिट लिमिट बिट्टू साहब की है कि तुम सानू कर्जा दे रहे हो, तुम साढ़े को पैसा जी सा फसल है वो बदले पैसा भेज रहे हो पहला क्योंकि थोड़ी असी फसल खरीदनी है, आ पैसा एडवांस आ गया। जो दशकों तो यह प्रक्रिया चल रही है, सेंटर सरकार खरीदती है, लिफ्टिंग हो जाती है, स्पेस खाली हो जाता, अगली फसल आ जाती, इस बार जान बुझ के। और ये हालात वेखो जो मीडिया ने सितंबर के महीने च खबर छपनिया छपनिया शुरू हो गई, क्योंकि मार्च तो लैके सितंबर तक किसी भी सेंटर के वजीर ने भाजपा के मंत्री ने कोई गल नहीं की कभी भी।